नमः शिवाय। आज हम लोग दो बैलों की कथा कहानी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद के विषय में और कहानी के विषय में जाना था। अब हम कहानी पढ़ेंगे। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी नामक एक व्यक्ति था, उसके पास दो बैल थे और उन दोनों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील वाले थे। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील वाले थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सिंह भी मिला लिया करते थे। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर या कभी कभी सिंह मिलाकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। झूरी ने एक बार बैलों को ससुराल भेज दिया। झूरी ने एक बार अपने उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। झूरी के साले गया को घर तक बैलों को ले जाने में पसीना आ गया। पसीना आना अर्थात परेशान होना। झूरी उन दोनों बैलों को घर ले जाने में रास्ते में एकदम परेशान हो गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। शाम के समय वे दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। वे दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यह नया घर, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लगते थे। उन्हें वहाँ का नया घर, नए आदमी सब उन्हें पराए या दूसरे लगते थे। इसलिए उन दोनों में से किसी ने भी नाद में मुंह नहीं लगाए खाने के लिए, जबकि वे दिन भर के भूखे प्यासे थे। जब सारे गांव के लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे को तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों को जब सारे गांव के लोग सो गए तो दोनों ने क्या किए, जोर लगाकर पगहा अर्थात पशुओं के गले में जो रस्सी बांधी जाती है, उस रस्सी को तुड़ा डाले और अपने घर की तरफ चलने लगे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी अर्थात पशुओं को चारा डालने की जगह। झूरी सब जब सुबह उठकर देखता है तो देखता है कि उसके दोनों बैल वापस उस चरनी पर खड़े हैं। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया अर्थात बहुत ही प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आता है। झूरी के साला का नाम क्या था? गया। वह आता है और फिर उन दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। संध्या समय पहुंचकर उसने दोनों को मोटी 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 रस्सियों से बांधा और फिर वही सूखा भूसा दिया, क्योंकि पहली बार उसने उन दोनों बैलों ने क्या किया था, रस्सियां तुड़ाकर भाग गए थे। इसलिए इस बार उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया गया और उन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखा भूसा दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, लेकिन अपने दोनों बैलों को उसने खली चुनी सब कुछ खाने को दिया था, हीरा और मोती को सिर्फ सूखा भूसा। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे।
दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। झूरी कभी भी उन दोनों बैलों को मारता नहीं था। यहाँ पर गया मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज फिर से उन दोनों बैलों के सामने वही सूखा भूसा खाने के लिए रखा गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को स्थान पर बांध दिए जाते। दोनों दिन भर खेत में जोते जाते, डंडे भी खाते और कभी कभी वो अड़ते भी और फिर शाम को उसी स्थान पर बांध दिए जाते थे। घर की बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। उस घर में एक बालिका भी थी जो उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों उन रस्सियों को तोड़ने के लिए क्या किए, दोनों रस्सियों को चबाने लगे, पर रस्सी जो थी वो मोटी थी इसलिए उनके मुंह में ना आती थी, इसलिए बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। अचानक से उस घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। उसने दोनों के माथे सहलाए और बोले कि खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ नहीं तो लोग यहाँ मार डालेंगे। वह कहती है कि मैं तुम दोनों की रस्सी खोल देती हूँ, तुम दोनों चुपके से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें यहाँ लोग मार डालेंगे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, वे सीधे दौड़ते चले गए। उस बालिका ने क्या किया, उनकी रस्सी खोल दी और वे दोनों उन दोनों को भागने का मौका मिल गया, वे सीधे दौड़ते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस रास्ते से आए थे उन्हें उस मार्ग का पता न चला। नए नए गांव के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। हीरा कहता है कि ऐसा लगता है शायद हम लोग रास्ता भूल गए हैं। दोनों को भूख लगी थी। पास ही मटर का खेत था, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। दोनों क्या करने लगे, वहाँ पर जाकर चरने लगे। रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। रखवालों ने वहाँ जो रखवाला कर रहा था उस खेत का, उन्होंने पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सुबह क्या हुआ, उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस अर्थात पशुओं का कैद खाना। सारे दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाया। सारे दिन दोनों मित्र फाटक अर्थात दरवाजे की ओर एक टक देख रहे थे कि शायद कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन उनके लिए चारा कोई भी लेकर नहीं आया। बाड़े की दीवार कच्ची थी, कच्ची अर्थात मिट्टी की दीवार थी। हीरा ने अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए। हीरा ने क्या किया, अपने नुकीले सिंग उस दीवार में गड़ा दिया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा और मोती ने भी वहीं पर सिंग मारा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर पड़ी। आखिर 2 घंटे तक दोनों ने मेहनत की, आखिर में वह दीवार गिर पड़ी। दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि घोड़ियां सरपट भाग निकली। जैसे ही दीवार गिरा वैसे ही जो घोड़ियां वह उस कांजी हाउस में बंद थी वे सरपट यानी अर्थात तेज दौड़कर भाग निकली। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसे भी खिसक गए।
उस कांजी हाउस में इन दोनों बैलों के अलावा और भी बहुत सारे पशु थे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती हीरा की गले की रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह रस्सी नहीं टूटती है। जब वह हार जाता है तो हीरा कहता कि तुम जाओ, मुझे यहीं पर पड़े रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो हीरा? क्या हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? वह कहता है कि क्या तुम मुझे इतना मतलबी समझते हो? आज तक हम लोग इतने दिन तक साथ रहे, आज अगर तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? कहा जाता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र का विपत्ति में कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाता। यहाँ दो पशुओं के बीच में भी वैसे ही मित्रता थी। मोती हीरा को विपत्ति में छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि वह अपना मित्र धर्म निभाता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। उन दोनों में से किसी ने भी चारे का एक तिनका न डाला। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा न जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उन दोनों से उठा भी न जाता था। एक दिन नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक दड़ियल के साथ चले। नीलाम होना अर्थात किसी वस्तु को बोली लगाकर बेचना। और एक दिन उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया और वे एक दड़ियल के साथ चले। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। अचानक दोनों को यह मालूम होता है कि उनका यह परिचित रास्ता है, अर्थात जाना पहचाना रास्ता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। वे घर की ओर दौड़े। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी घर के द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा। जैसे ही उसने बैलों को देखा वैसे ही दौड़ पड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। और उन्हें देखते ही उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी दोनों को सहला रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस तरह से यह हमारा पाठ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। नमः शिवाय।